गुड मॉर्निंग पीपल, आज लास्ट डे शूटिंग का और मैं टाइम से बहुत पहले आ चुकी हूँ, मतलब इतना पहले कि कोई भी नहीं था यहाँ पे, अंधेरा था और वेट करना पड़ा 10 मिनट नीचे खड़े होके। और जब आई हूँ तो वाकई जो सेट था ना वो भूतिया खंडर लग रहा था, खंडर महल, महल ही लेकिन खंडर का रूप ले चुका था। मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी नहीं है वहाँ पे, पता है कोई भी नहीं है। अब तो लाइट्स जल गई, दिखा रही हूँ, देखो कोई भी नहीं है। अगर एक बंदा भी आपको दिखाई दे जाए तो ये देखो, अरे ये रहे, इन्होंने ताला खोलने में हमारी मदद करी है, थैंक यू सर। अगर आज मैं सेट पे लेट पहुंची तो आपको छोड़ूंगी पता है सबसे पहले मैं आ रही हूँ और उसके बाद भी मैं सेट पे लेट पहुंच रही हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी मेकअप की प्रॉब्लम तो कभी किसी चीज की प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लेट पहुंच रही हूँ। मैं आ रही हूँ अपने रूम में वापस और अब मैं पीऊंगी कॉफी। चलो बाथरूम साफ कराओ, तो बोलो बाथरूम साफ करें प्रॉपर, बाथरूम का सफाया ना कर दे बस साफ करे। नीतू भी नहीं आई आज अभी तक। एक्चुअली क्या है, मेरा कॉल टाइम है 8:30 बजे का, लेकिन मैं पहुंच जाती हूँ 7:45, मतलब 45 मिनट्स पहले, तो मैं टाइम से बहुत पहले पहुंच जाती हूँ। मुझे लगता है झाड़ू पोछे का काम भी मुझे ले लेना चाहिए यहाँ पे हर सेट पे। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से पहले पहुंचती हूँ, ये अच्छी आदत भी है, लेकिन अब ये है मेरे को शुरू से ही आदत है। मैं बहुत वो घर पे बैठ के बहुत पैनिक उसमें रहती हूँ, फिर वो कैंडी छोड़ती नहीं है मुझे, तो मेरे लिए बेटर रहता है। अरे मेरी बर्फ आ गई, बर्फ भी आ चुकी है टाइम पे, बर्फ लगानी जरूरी है क्योंकि आंखें और गाल सूजे हुए हैं। मैं थोड़ी देर बर्फ लगाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, कॉफी रख देना। क्या मालूम मेरा सुबह सुबह इतना आंखें वाखे क्यों सूज जाती है, लेट तक सोऊं तो सूज जाती है, जल्दी उठ जाऊं तो सूज जाती है, तो उसको कोई रीजन नहीं चाहिए, हर एक्सक्यूज चाहिए उसको सूजने का। पानी थोड़ा और ज्यादा रख देना, हाला और वही पहले दिन चिपकाया था ना उसके इतने रैशेज पड़ गए मेरे, क्या करूँ। आप लोगों के पास कोई और तरीका है कि मेरी आंखें सुबह सुबह या मुंह जो मेरा सूज जाता है सुबह सुबह, उसका कोई उपाय है तो देना। आज फिर से भूत बन रहे हूँ इस साइड पे, तो उसके लिए बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं ताकि मेरे को इतना ज्यादा बेस लगा दें ताकि मेरी स्किन पे इफेक्ट ना हो। देखो ऑलरेडी कितना ज्यादा हो चुका है, आप देख सकते हो ना। तो आज ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा हुई है, तो आज इस साइड पे बेस थोड़ा ज़्यादा देंगे। सुबह सुबह भूत बना रहे हैं मुझे, वो तो मैं लोगों का बनाती हूँ। कुछ ड्रेस वाले कोई भी नहीं आया हुआ अभी तक, आप एक काम करो ना बेस दोनों साइड का कर ही दो, वो ब्लड भी लगेगा ना। नीतू पहुंच गई, आज फर्स्ट टाइम है कि नीतू पहुंची, तो फिर भी टाइम से पहले ही है, लेकिन मेरे हिसाब से नीतू उस टाइम पे नहीं पहुंची जिस टाइम पे पहुंच जाती है मेरे साथ। हम दोनों का दिमाग खराब है, टाइम से बहुत पहले पहुंचते हैं, लेकिन आज नीतू एक्चुअली टाइम पे पहुंची है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज सेट पे हम लोग लेट नहीं होंगे किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए सेट पे मैं टाइम पे दिखनी चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। गोपाल दादा, हाँ दादा, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को अगर मैं लेट हुई तो। मेरे कपड़े वपड़े सब लाओ, पहले पहन के मैं सेट पे बैठूंगी, लोग आए ना आए मैं शूटिंग करूंगी। हाँ एसी नहीं चल रहा ना, मेरे को भी अभी पता लगा। अरे मेरी कॉफी, हम लोग करेंगे आज बहुत जल्दी, आप लोगों ने दोनों ने कस्में खाई है। मैं आ गई हूँ सेट पे और सीन स्टार्ट हो रहा है, हम लोग सब रिहर्सल कर रहे हैं। एक बार और कर लें क्या? अच्छा ऐसी क्या खास बात है? अरे वाह ताजू, इसके लिए तो तुझे इनाम मिलना चाहिए आज। क्या मैं इतनी नेगेटिव दिखती हूँ चेहरे से? मैं इतनी नेगेटिव दिखती हूँ चेहरे से? इतना खतरनाक रोल दे दिया मैंने? ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए डायरेक्टर का, ये कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा इसको, जो नेगेटिव चीज है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक बार कहाँ तक करिए दिखाइए, ये थोड़ा सा और दीजिए। राजू अपने वादे की पक्की है मैडम, सोना बोला था ना हीरा लेके आएगी, देख लो छोड़ो मुझे ले जाए से, पर हमारे यहाँ से तौर तरीके से था सीधी तरह चलती है लगाओगे खबरदार, अगर इसको एक भी खाओ चाहे ना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रेडी? मेरा फाइनली ये लुक अब खत्म हो गया और अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, अब मैं मेरे भूत के लुक में आ जाऊंगी। मैं पूरा शूटिंग के वक्त ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी ना, फटाफट शॉट वगैरह लेना होता है तो मैं बिल्कुल जाते वक्त भी बात नहीं कर पाई, तो मैं आने के बाद मैंने लैशेस निकाल दी है, हालत खराब हो रही है, ना मोनू चेंज ना हो। एक चीज अच्छी है भूत के लुक में कि कपड़े थोड़े सिंपल है तो अच्छा लग रहा है, बाकी जो ये सब आएगा ना अभी तो ताम झाम में पैंट बच जाएगी। इधर खोलो, बहुत चुपती साड़ी, आई कांट वेयर साड़ी, छी इतनी सुंदर साड़ी पहनने के बाद और मैं भूत बनूंगी, साड़ी बहुत सुंदर है वैसे, और अब इधर भूतिया चेहरा आएगा। और अब मेरा टाइम हो गया कॉफी का, जरा ना से मेरी कॉफी दिखाना, कितना मेरी कॉफी ले दो इधर।
थर्ड कॉफी ऑफ द डे, इसलिए मैंने ना मेरे को एसी बहुत ठंडा है, एसी बहुत ठंडा बंद कर दो, कुल्फी जम गई थी, अब मैं पीऊंगी मेरी कॉफी, अब करने दो उनको भूतना मेका विद कॉफी, जन्नत। अब मैं खाऊंगी बिस्किट, हेयर बैंड लगा लेती थी मैं भी, लग अगर भूत नींद होती इसमें तो अच्छी तो दिखती मैं। अरे मेरे को मेरे डायलॉग पढ़ने तो भाई, डायलॉग क्या है, आई एम एन एक्टर, मैं अब एक्टर हो गई हूँ। अरे तुम हंस रही हो इस बात, आप तो बोल रहे हो एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप एक्टिंग, मुझे रियली बिलीव नहीं था मुझसे ज्यादा तुम कर रही हो इस समय, है ना, मैं जो बिलीव ही नहीं हुआ नकली। And I'm ready with my bhoot avatar. ये साइड है ना? हाँ, साइड साइड का पीछे था, ये होट होट कवर था, ये थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ये जो है ना ये ऊपर लेके जाओ, बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, फिर एक बार मेरी खूबसूरती के चर्चे होंगे। ये कैसे चर्चे करा रहे हैं, खूबसूरती वो खूबसूरती है, फिर एक बार मेरी खूबसूरती के चर्चे होंगे। कॉफी एंड डायन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, एक थी संभावना, अगर उस रात वो मनहूस आग में लगी होती तो आज मैं भी पूरे विश्व की सबसे सुंदर डांसर होती, उस आग में सब के सब जल के मर गए, साथ में मैं भी जल के मर गई थी, है मर गई थी उसमें। ए दादा कुछ और तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये गंदी बदबू, गंदी बदबू, ये लेटेक्स है, गंदी बदबू है, वो गंदी बदबू है, परसों लगाई थी वही है, बदबू रहता ही है, मैं कॉफी तो पीने देते मेरी। अच्छा अभी फिर एक मिनट कॉफी पी लेना। आप क्या मिक्स हो गई बदबू और कॉफी? देखो जीवन में मेहनत तो करनी पड़ती है, दो रोटी कमाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, मुझे भूत बनना पड़ रहा है। कौन कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अरे मैडम आपकी लाइफ एकदम सही है यार, एकदम घूमते फिरते हो, एक्ट करते हो, ये लोग लग गई ना तुम्हारी नजर भूत बन रही हूँ। अरे मुझे कुछ अच्छा रोल भी मिल सकता था, अभी इससे और अच्छा रोल मिलेगा अभी आपको। अच्छा खाओ कसम, नहीं तो मेरी प्रे करेगी ना, आपको सबके लिए प्रे करेगी, लोगों मेरे लिए प्रे करो कि मुझे कोई अच्छा शो मिले, मतलब ऑफर ऑफर आ रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसी भूतिया ऑफर है। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, भूख की जगह। चू ना आंखों से पानी निकल आया, आंखों से पानी आ गया, ये आपने जो गंदी बदबू लगाई है, मेरे बाल चिपकने लग गए दोबारा, पानी के लिए कुछ खाना पड़ता है। अरे यहाँ पे खो ही रही हूँ मैं, बाल तो कुछ भी नहीं रही, कुछ बना दिया, अच्छा चेहरा बिगाड़ दिया, कह रहे कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, आर्टिस्ट बनने के लिए फेस जलाना भी तो पड़ता है, आग चिपका देना बस, नहीं उस दिन का लुक, ये तो काला है पूरा, ऐसी दिख रही थी क्या? पिशाचिनी हूँ मैं, डायन हूँ, ट्रेन हूँ मैं। अच्छा है तो अविनाश आएगा सेट पे, आई एम मिसिंग अविनाश, मैं मिस कर रही हूँ बेबी तुम्हें, जल्दी आ जाओ, फाइनली मैं रेडी हूँ, ओह माय गॉड, मैं सेट पे जा रही हूँ, सेट पे मिलती हूँ, मैं कितनी क्यूट हूँ। अगर उस रात को मनहूस आग न लगी होती ना तो आज मैं भी जिंदा हूँ और इस दुनिया की खूबसूरत डांस, लेकिन अपनी तंत्र विद्या की शक्तियों से मैं जिंदा तो हो गई लेकिन अपनी खोई हुई खूबसूरती वापस, उसी तंत्र विद्या की शक्तियों से मैं अपनी खोई हुई खूबसूरती वापस लाऊं बहुत जल्द। डायन हूं मैं, मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ लेकिन वो धुआं इतना ज्यादा है ना उस आग का कि मैं बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, एक्सप्रेशन होल्ड नहीं हो रहे, मेरी बुरी हालत हो रही है आंखों में ना, बार बार जैसे कुछ बोलने लग रही हूँ आंखों में पानी आ जा रहा है, धुल गई आंखें, अरे नाक से ही पानी आ रहा था, टिश्यू देना, आंख नाक दोनों से पानी आ रहा है। सबसे सुंदर ये आपने बोला था और ये था, कौन है, कौन है वहां पर? अब वक्त आ गया है कि हम अमृता की बलि देकर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें बने, औरतें नहीं सॉरी सॉरी, उसको लगा दो घड़ी है। न
सुंदर से बैठूंगी, बहुत पैर पे दर्द हो रहा है। पागल हो गई हूँ, ड्रेस चेंज कर करके अभी इसमें जाके शॉर्ट दिया है और अब फिर चेंज है, फिर वो ब्लैंक ड्रेस है। पागल हो गई हूँ, मुझे नहीं हो रहा और फिर टायर्ड हो गई हूँ, पैर थक गए मैंने। एक ऐसा भूत है जो थक गया थका हुआ भूत। अविनाश ने कहा था मैं आऊंगा, अविनाश भी नहीं आया अभी तक, और वो देखेगा तो क्या कहेगा, क्यूट नहीं लग रही, कर लिया चेंज। मेरी हालत खराब है, मैं जा रही हूँ सेट पे क्योंकि आज फटाफट काम खत्म करना है। टुडे इज द लास्ट डे। इसकी शक्ल मुझसे मिलती है ना, देखो मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। गुड़िया कुछ सुई चुभो के अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर रही हूँ। गुड़िया मेरी बहुत अच्छी लगी है, मैं तो घर लेके जानी है, कैंडी खेलेंगी इससे। मैं अभी शूटिंग से लौट के आई हूँ और देखो रूम में कौन आया हुआ है। बेबी बेबी तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, पता है मैं देख रहा था पीछे से। अच्छी मैं बहुत हंसी हूँ बेबी। वो शॉट के पहले भी जो हंस रही थी ना, तो लग रहा था चुड़ैली हंस रही है, और शॉट में भी ऐसे हंस रहा था चुड़ैली हंस रही है, कितनी रियल एक्टिंग। लेकिन तुम चुड़ैल बिल्कुल लग नहीं रही हो इस मेकअप में, पता है जो सरदार होती है ना, जो लीडर होती है चुड़ैल होगी वो लग रही है। मैं बन मस्क का खा रहा हूँ ना, मैं डाइट पे नहीं हूँ ना, तो सोच रहा हूँ 2-3 दिन उड़ा दूँ जितना भी अनाज है इस देश में। मैं कैसी लग रही हूँ इस तरफ से, तो अच्छी लग रही है जहाँ से मैं देख रहा हूँ। मैं भी कैसी कर रही थी मैं एक्टिंग? बहुत अच्छी बेबी। मैंने तुम्हारी हंसी सुनाई दी थी मुझे, मैं कैसा वो भभूत मार रही थी। तुमने जो भभूत मार के भस्म जलाई है ना, ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो हुआ है टोटके में ना। तो मैं कह रहा हूँ इसी बहाने, एक्टिंग के बहाने ही थोड़ा टोटका सीख लो ना इधर से। बुढ़िया हुई सुई मार रहा। हाँ सिर्फ टोटका सीख लो। तो दुनिया में और बहुत लोग हैं, मेरे पर कितनी सुइयां मारी होंगी। किसने मारी है? हैं बहुत सारे। मैं इनको बोलूँ ना कि तुम्हारा रोल परमानेंट कर दें। तुम तो कह रही हो बहुत थक गई। घूमर 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 घूमे रे पैसा घूमर घूमर। तेरा बाल नहीं हटके ना? पैकअप हो गया, अरे एज यूजुअल, लेकिन लास्ट टाइम की तरह बुरी हालत नहीं है। बॉयल्स तो आने शुरू हो गए मेरे, जो परसों हुआ था वैसी हालत नहीं है मेरी। कैसा लग रहा है अविनाश, मेरे साथ ही हो रहा है? बहुत महंगा पड़ गया भूत बनना, मेरा भूत बन गया। तो किस किस को लगता है कि मैडम आपकी जिंदगी तो बहुत सही है, किस किस को लगता है मैडम आप तो आपके तो मजे है, आओ तुम्हारा भूत बनाऊं। मैडम आपकी जिंदगी सही है, पैसा छापते रहो, ट्रैवल करते रहो, ऐश करते रहते रहो। अविनाश सर के साथ ये रहे अविनाश सर, और ये मैं, और ये रही हमारी ऐश। घर चलेंगे हम तब जब चेक मिल जाएगा। तो फाइनली संभावना का पैकअप हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। तो आई होप संभावना अपने उस भूत के कैरेक्टर से बाहर निकल गई हो, शो से पहले भी उसी कैरेक्टर में थी। बेकार की बातें मत करो, मेरे जितना क्यूट चेहरा कहीं नहीं मिलेगा, और क्यूट इंसान क्यों नहीं तू? हाँ जी मैं आपके साथ हूँ। अरे बहुत झूठी हो। हम लोग जा रहे हैं घर, संभावना 3 दिन से 6 बजे उठ रही है, कल सोएगी 12 बजे तक। सोने को मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, 3 दिन में नींद पूरी नहीं हुई है, और मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हुई नहीं, मतलब आई हेट अर्ली मॉर्निंग्स। मैं किसी का भी मुंह तोड़ सकती हूँ अगर मेरे को सोए उठा दिया जाए। लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ओके बाय, नहीं तो बाय करो, बाय करो नासिर, गुड नाइट, बाय।